तो गाइस अभी यहाँ पर फुकरा इंसान का भी ध्रुव राठी को रिप्लाई आ चुका है। और गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, ध्रुव राठी बीजेपी के अगेंस्ट काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। तो कल फुकरा इंसान अपने सेकंड चैनल के ऊपर मीम रिव्यू कर रहे थे, तो वहीं पर फुकरा इंसान ने ध्रुव राठी के एक मीम के ऊपर रिएक्शन देते और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहा, आप लोग खुद देखिए। बीजेपी के अगेंस्ट में भाई मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव भाई आप जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा ना हो आपके चक्कर में यूट्यूब बैन हो जाए, हम सारा यूट्यूबर्स की रोटी छीन लोगे भाई। तू बीजेपी के अगेंस्ट इतनी वीडियो डाल गए भाई, माफ कर दो ना भाई, मतलब क्या चाहते हो भाई। अगर कसम से यूट्यूब कल को इधर उधर हो गया ना तो यूट्यूबर्स छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। क्या कर रहे हो यार ध्रुव भाई। तो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग ध्रुव राठी के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने भी नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। तो गाइस जब ध्रुव राठी की बात हो गई तो बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। सो एलविश यादव अपने सेकंड चैनल के ऊपर काफी दिनों के बाद लाइव आए हुए थे एंड वहां पर एलविश यादव काफी सारे मीम्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे एंड वहां पर उन्होंने मनीषा रानी और फुकरा इंसान के मीम के ऊपर भी अपना रिएक्शन दिया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एलविश यादव जानबूझकर मनीषा रानी और फुकरा इंसान के मीम के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, कोई भी रैंडम मीम जो उनके सामने आ रही थी उसके ऊपर वो अपना रिएक्शन दे रहे थे सिर्फ। एंड उस वाली रिएक्शन वीडियो के बाद मनीषा और फुकरा के फैंस एलविश यादव को काफी ज्यादा हेट भी देने लग गए थे एंड उसके बाद एलविश यादव ने अपने कल वाले ब्लॉग में उन सभी लोगों को रिप्लाई करते हुए क्या क्या कहा, आप लोग खुद देखिए। मैंने रिएक्ट करा बहुत सारे मीम्स पे, अच्छे बुरे जो भी मेरे को दिखा, मेरे को आता नहीं हो, जो मेरे को दिखा उस पे उस हिसाब से मैंने रिएक्ट करा। तो कई लोग हैं बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे का मतलब सच में बिना पढ़े लिखे, मतलब मैं मुंह से बोलने वाली बात नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सच में बिना पढ़े लिखे, जिनको समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान लाइव में बैठ के बोल क्या रहा है, तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है, उसको भी मैनिपुलेट करके वो लोग वो दिखा रहे हैं कि ही इज़ प्रमोटिंग दिस शिट, ही इज़ प्रमोटिंग दिस। मैं बहुत प्यार से आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो तुम पे बाल भी नहीं फटना अपना, ये तो तुम्हें भी पता है। यू गाइज आर जस्ट कीबोर्ड वॉरियर्स जो एक कीबोर्ड पे बैठ के अपने ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, उम्र तुम्हारी 10-12 साल है, उससे भी कम होंगी। तो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग एलविश यादव और मनीषा रानी के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने भी नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।